top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. हमारे साथ हैं विश्व के प्रसिद्ध राम सुतार जो शिल्पकार हैं. आइए हम आपके बारे में पूछेंगे जो जीवन में जो अधूरे सपने रह गए थे उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं. बताइए. ये चेंबर में ये 40 फीट की मूर्ति बनी है डैम पे. ये इसमें ये है कि चेंबर नदी और साथ में राजस्थान और मध्य प्रदेश ये दोनों जैसे भाई भाई है और माता चंबल देवी है तो उनको पानी दे रहे. इस तरह से एक बड़ा 40 फीट का मॉन्यूमेंट बना है. अच्छा आप देखें कि इसकी डिटेल किस तरह से है. शुरुआत ये बड़ा मैंने कंक्रीट का पत्थर बनाया और पत्थर ताजा है. आप कल्पना कीजिए ये ऊपर का हिस्सा ये इस तरह से कार्विंग करके ये बनाया. मतलब पहले इस तरह से पत्थर ये था उसी में से ये तराशा है. इस तरह से पूरी मूर्ति मैंने कार्विंग की है और ये मूर्ति का उद्घाटन पंडित जी ने किया. पंडित जी जब भक्ताजन के उद्घाटन के लिए चले गए उद्घाटन करने के बाद वो गए थे कि जैसे चंबल में मॉन्यूमेंट बना है उसी तरह से भक्ता डैम पे मॉन्यूमेंट बनना चाहिए और वो कम से कम 50 फीट ऊंचा बनना चाहिए. इस तरह से मगर ये सारी चीजें नेहरू जी जाने के बाद यादगार रह जाए तो इसे हमारे जो एक बड़े बड़े मॉन्यूमेंट करने की कल्पना है ये एक अधूरी कल्पना रहेगी. सर इस कल्पना की बात करते हुए प्रतिमा जो है इसके बारे में ये प्रतिमा किस चीज की बनाई गई थी. ये तो मॉडल है. ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में फाइबर में है. ये जैसे ये बाका डैम पे कंक्रीटिंग ड्रिलिंग इस तरह से वगैरह है. तो एक सरदार जी एक बड़े पावरफुल होते हैं अपनी समझ के अच्छे लेवल समझ के ही मानने पंजाब शुक्राउंड. सर बात करते हैं जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने जब ये प्रतिमा बनवाई थी उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि एक लीवर के लिए भी ये बनना चाहिए बाकड़ा. मगर ये अधूरा रह गया. किसी ने इसको प्रोत्साहन नहीं दिया. निरोज जाने के बाद किसी ने इसका ध्यान नहीं दिया. तो अभी भी चांस है यहाँ पंजाब ये मॉन्यूमेंट देखे और कहीं भी लगा सकते हैं भागा डैम पे हमारा झंडे के अंदर इस तरह से. फिर उसके बाद हमने जो जो स्वतंत्रता हासिल की ये एक तरह का फॉर पीस के लिए तो ये पीस का एक सिंबल दिया है और इसके पेड़ में ऐसे रिबिन होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ सत्यम योग जय दे इस तरह से जैसे उसी का होगा या सत्य तो हमारे सत्य की वजह से ही हमें इंडिपेंडेंट मिला है. किसी का ध्यान नहीं या ये पब्लिसिटी नहीं होंगे ये हमारे अधूरे सपने हैं. जी सर.